Hello friends, so welcome back. And it's been a long time that you know my videos are not up there in YouTube. So I have given myself challenges, 100 days PMP challenge, or like I thought I would be publishing consistently videos on YouTube, but मुझे लगता नहीं कि मेरे जैसा इंसान कर सकता है ये. कंसिस्टेंसी जीरो है. सो PMP की बात करते हैं. सो PMP आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट आई हैव क्लियर्ड इट, आई हैव नेल्ड इट. ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी. लेकिन आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ ईयर्स. 6 साल पहले PMP ऑप्ट करने का प्लान, और 6 साल के बाद जो है किया मैंने. बहुत सी लर्निंग है और मैं चाहता हूँ वो लर्निंग मैं सबसे शेयर करूँ. तो बेसिकली मैंने क्या किया अपने एग्जाम को पास करने के लिए, मैं क्विकली बोलूँगा. सिंपली लर्न का मैंने कोर्स लिया. क्यों लिया कोर्स? क्योंकि वो वाउचर दे रहे थे, PMI का वाउचर दे रहे थे, तो वो मेरे को थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली लगा. एंड इट वॉज नॉट दैट मच फ्रेंडली, बट इट वॉज नियरली 45K इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फी. सो उनके पास ट्रेनर बड़े अच्छे थे. सो इफ आई रिमेंबर जिम वॉज अ ट्रेनर एंड ही इज़ ऑसम ट्रेनर. बहुत अच्छा था. बस वहाँ पे प्रॉब्लम मेरी ये हुई कि आई वॉज नॉट रेगुलर इन दैट क्लास. सो मैंने मिस करना शुरू किया. तो मेरे को तब से समझ आ रहा था कि मेरे को लगता है डिले हुआ, बिकॉज मेरे को वो अपने आप को लाइक डिसिप्लिन रहना था. मुझे रेगुलर क्लास करता तो बहुत अच्छा रहता. बट व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव गैदर्ड ऑल द लेक्चर, सारे नोट्स गैदर किए, बनाए नोट्स, फिर छोड़ दिया. देन आफ्टर गोइंग थ्रू विद डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, व्लॉग्स, तो मैं कुछ और फॉलो करने लगा. टाइम और वेस्ट. ओडेमी के कोर्स लिए, फिर बुक्स ली, लेकिन ये टाइम ऐसा बीतता चला गया. एंड मतलब आई वॉज नॉट फेसिंग माई सेल्फ. फिर वन डे आई सॉ दैट PMI पोर्टल, और वहाँ पे वो एक्सपायर होने वाला था. ठीक है, मेरा PMI का मेंबरशिप. और जो और मतलब द फॉर्चुनेट थिंग वॉज दैट मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी एंड इट वॉज रिव्यूड एंड ऑडिट, नॉट ऑडिटेड बट इट वॉज रिव्यूड एंड वॉज ओके. सो वो मेरा पार्ट क्लियर था. तो बस मेरे को अब एग्जाम शेड्यूल करके एग्जाम लिखना था. बट अगेन आई फेल्ड टू डू दैट ऑन टाइम. मैंने एक बार बुक किया एग्ज़ाम. बुक करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा. फिर उसको कैंसिल किया. मेरे 7,000 रुपीज़ उसका पेनल्टी लगा. देन अगेन मैंने PMI पोर्टल में देखा तो मेरा जो एप्लीकेशन था वो सारा इट वॉज़ अबाउट टू एक्सपायर. और मैंने कहा लो पैसा क्या सारा का सारा. फिर मैंने कहा क्या करूँ. सो आई वॉज आई कनेक्टेड PMI थ्रू देयर चैट. मैंने उनको रिक्वेस्ट की, बढ़ा दो. उन्होंने बोला जी लाइक दे कैन नॉट एक्सटेंड इट टिल देर इज़ अ वैलिड रीजन. और वैलिड रीजन का एक लिस्ट था. मैंने वैलिड रीजन देखे, चूज़ किया. उनको एक प्रूफ चाहिए था, प्रूफ दिया तो दे हैव एक्सटेंडेड इट. आई थिंक फॉर 6 मंथ दे हैव एक्सटेंडेड. तो मैंने कहा चलो मैं तो 6 मंथ में आई विल डू इट यार. पर वो टाइम जाता रहा. अगेन मेरे सामने देखा तो 2 महीने बचे हुए. मैंने कहा यार ये तो नाउ नहीं हो पाएगा. पर समहाउ आई मेड माई माइंड एंड बुक किया एग्जाम एंड लिखा. मैंने कब जो होगा देखा जाएगा. एंड फाइनली आई पास दैट राइट. दैट और बैठा और क्लियर हो गया. जब क्लियर हुआ तो आई वॉज इन डाउट दैट मैं क्लियर कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. बट आई हैव डन दैट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड जो मेरे को की लगा मतलब विच हेल्प मी टू पास दिस एग्जाम वॉज, मैंने क्या किया था, सिंपली लर्न का मैं कोर्स दोबारा बीच बीच में देखता था बट मैंने उसको कम्प्लीटली छोड़ दिया. मैंने कहा मेरा गेम प्लान अब ये होगा कि आई विल जस्ट राइट प्रैक्टिस एग्जाम लिखूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं वो करूँगा और उसको रिपीटिवली करता रहूँगा. जो मेरा गलत होगा अगेन आई विल स्टडी एंड विल डू. तो मेरा जो फुल प्रूफ प्लान यही था कि भैया क्वेश्चन करो और क्वेश्चन को रिपीट करते रहो. उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एंड्रू डैम दयाल का क्वेश्चनर वाला लिया. ठीक है, दैट
आई हैव डन द प्रैक्टिस फ्रॉम एंड्रू डैम देयर। उसके बाद मैंने कविता शर्मा PMP, मैंने उनकी 3 बुक्स ली थी। सो उस बुक वो 3 बुक का पूरा है वो कोर्स, सो दैट ऑल्सो हेल्प मी। उनका उस बुक के साथ उस वक्त इट वॉज यू नो सम ऑफर, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री उनका क्वेश्चन ना प्रैक्टिस क्वेश्चन वो मेरे को एक्सेस मिला फॉर 30 डेज, वो मैंने प्रैक्टिस किया। सो मतलब इतना 6 मंथ से मैं सॉरी 6 ईयर से थॉट कर रहा हूँ, 1 साल तक नहीं क्या एक्सपायर हो जाता, देन अगेन रिक्वेस्टेड फॉर एक्सटेंशन, 35 आवर्स का PDO hours का भी कंप्लीट कर दिया, सब कर दिया। उसके बाद भी मतलब पास होने के मेरे काइंड ऑफ लाले लग गए। सो मैं यू नो फाइनली आई हैव दिस गेम प्लान कि किसी को भी करना है तो वो क्या करे, एक तो 35 आवर्स का PDO है उसको रेगुलर अटेंड करे, जैसा भी क्लास का शेड्यूल है वैसा करे, ठीक है। जैसे ही वो क्लास ख़त्म होती है जस्ट यू नो जस्ट स्कीम वंस अगेन सारा मटेरियल, उसका जिस सीधे जंप करो क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लेंटी ऑफ यू नो क्वेश्चन बैंक्स आर देयर, यू कैन बाय फ्रॉम एंड्रू डैम देयर, फेमस हैं, कविता शर्मा PMP से ले सकते हैं। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, और मुझे लगता है कि एंड्रू डैम देयर भी सफिशियंट है करने के लिए। यदि लिया उनका तो उनका भी किया तो सारे सेक्शन करोगे, जितना नहीं होता तो रिपीट करते जाना, पढ़ते रहना, रिपीट करते रहना। एंड द बैड पार्ट इज दैट एक्सप्लेनेशन, आप इफ़ यू आर फेलिंग और गिविंग यू नो रॉन्ग आंसर, तो देर इज वीडियो एक्सप्लेनेशन, यू कैन यू नो रेफर दैट। यही है फार्मूला, 35 PDO hours करो, एक बारी उसको पढ़ने के बाद स्कीम करो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर लो, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसको ही करना है। और ज़्यादा जस्ट डोंट गो एंड सर्च, यू नो यूट्यूब कितना ज़्यादा सर्च करोगे उतना ज़्यादा यू नो इट विल बी कन्फ्यूजिंग, बिकॉज आई हैव फेस दैट। मतलब ये भी मतलब सारे आई वॉज इन टू ब्लॉग्स, रेफरिंग समटाइम ब्लॉग, समटाइम यूट्यूब चैनल, समटाइम यू नो फीडबैक, समटाइम यू नो आई वॉज ब्लडी वेस्टिंग माई टाइम इन सच थिंग्स। सो 3 स्टेप्स, 35 आवर्स का PDO करो, रेगुलर कंसिस्टेंट क्लासेस करनी है, जैसी क्लास ख़त्म होती है स्कीम थ्रू पूरा कवर करो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक खरीदो, फ्री के ले लो। यूट्यूब में देर आर एक्चुअली फ्यू 200 क्वेश्चन सॉल्व, तो वो भी आप ले सकते हो। एंड बेटर टू बाय आइदर एंड्रू डैम देयर और आइदर कविता शर्मा, और वो करते रहो। एंड डेफिनेटली ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, एवरी वन सेज नॉट मी, लाइक मैं भी ज्ञान नहीं बांटना चाहता, बट ये आंसर जो हैं ये 0 और 1 वाले नहीं होते, मतलब ट्रू और फॉल्स वाले कि ये सही है गलत है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, माइंड सेट बेसिकली विच यू नो द ट्रेनर्स आर टॉकिंग अबाउट दैट माइंड सेट, वी शुड हैव दैट माइंड सेट, ऐसा नहीं गलत माइंड सेट होना चाहिए, राइट। जैसे सर्वेंट लीडरशिप एजाइल, दोज आर द की एरियाज टू यू नो उसको पढ़ना है तो दैट विल हैव। और सबसे बेस्ट पार्ट यही है, आपको ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस रहना है तो एजाइल को थोरो पढ़ो एंड देन यू नो गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय।